मैंने परसों जो है एपी भी डाला था और स्टेटिस्टिक्स डाला था, तो वो एक बार चेक कर लिया। खैर, अगर हमारे पास डिक्रीजिंग एपी अगर होता है तो डिक्रीजिंग एपी में डिक्रीज होते होते टर्म्स एक बार जीरो से नीचे चले जाएंगे, और अगर जीरो से नीचे चले जाएंगे तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारे पास होता क्या है, अब तक जो हम क्वेश्चन कर रहे थे वो हम तब कर रहे थे जब हमें ये दे दिया जाए कि सपोज करो आपसे कह दिया जाए 5, 10, 15 और यहाँ लिख दिया जाए 200 और आपसे कहा जाए विच टर्म इज 200। तो आपके पास क्या है, आपके पास टर्म है, आपको टर्म दिया हुआ है 200, आपको सिर्फ उसकी पोजीशन बतानी है। लेकिन जब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हो, जैसे हमारे पास ये दिया हुआ है 17 and 16 and half, ये कुछ और होना चाहिए, चलिए सेकंड वाला लेते हैं। हमारे पास जैसे है 24, 21, 18, 15, ये हमारे पास। अब आपसे कह रहा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टर्म नहीं दिया हुआ। सपोज करो आपसे कह देता कि विच टर्म इज -2, तो आपके पास टर्म होता लेकिन पोजीशन नहीं होती। तो लेकिन इस क्वेश्चन में कह रहा है विच टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो हमें टर्म भी नहीं पता, माइनस टू भी नहीं दिया हुआ है। तो जब भी आपसे विच टर्म की बात करता है तो हम यही स्टार्ट करते हैं, लेट nth टर्म इज, जो भी टर्म दिया हुआ है, अगर 200 दिया होता तो हम 200 रख देते हैं nth टर्म को, माइनस टू दिया होता तो माइनस टू रख देते, लेकिन यहाँ कोई वैल्यू नहीं दी हुई, तो हम क्या करते हैं लेट nth टर्म इज नेगेटिव, तो नेगेटिव होता है लेस देन जीरो। ध्यान रखना इक्वल्स टू जीरो नहीं लगाएंगे, इक्वल्स टू जीरो लगाएंगे तो वो जीरो भी हो सकता है, और जीरो जो है नेगेटिव नहीं होता, तो लेस देन जीरो लिखेंगे, लेट अवर nth टर्म विल बी नेगेटिव, तो नेगेटिव मींस लेस देन जीरो, तो an इज लेस देन जीरो। अब an क्या होता है, an होता है a प्लस n माइनस वन इंटू d, और ये हमेशा जो आएगा ये हमेशा आपके डिक्रीजिंग एपी में ही आएगा। अगर डिक्रीजिंग एपी में आएगा तो d हमेशा माइनस में होगा, तो यहाँ अगर आप चेक करोगे यहाँ जो हमारा d है वो -3 है, तो -3 हो जाएगा, लेस देन जीरो। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए तो 24 ब्रेक इट ओपन -3n + 3 लेस देन जीरो, तो 24 और 3 27, इस 3n को इधर ले जाइए ये पास आ जाए, तो आपके पास आ जाएगा 27 को 3 से डिवाइड करेंगे 9, तो n जो है 9 से बड़ा होना चाहिए, 9 इज लेस देन n या n इज मोर देन 9, तो n हमारा होता है पोजीशन, पोजीशन क्या होगा 9 के बाद जो भी इंटीजर आएगा, तो 9 के बाद इंटीजर कौन सा आएगा 10, तो हमारी जो 10th टर्म होगी वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। कभी कभी हमसे क्या करता है, हमसे टर्म भी पूछ लेता है कि भाई ये जो एपी है आपके पास फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा कौन सा, हमारे पास जो ये दिया हुआ है 24, 21, 18, ये तो वैसे छोटा सा ही एपी था, आप माइनस करते करते भी लिख लेते जब भी आ जाता, लेकिन फिर आपसे टर्म भी पूछ सकता है। तो अगर 10th टर्म निकालना है तो 10th टर्म होगा a प्लस 9d, तो -27 + 24, तो -3 विल बी 10th टर्म। तो इस तरीके से आप टर्म भी निकाल सकते हैं और पोजीशन भी निकाल सकते हैं। तो जरा एक क्वेश्चन करके देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि भाई हमारे पास दिया हुआ है 175 और हमारे पास दिया हुआ है 171 और सपोज करो हमारे पास दिया हुआ है 167, तो फाइंड करो फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, तो एक तो आपको पोजीशन निकालनी है कि कौन सी टर्म, और कभी कभी आपसे टर्म भी पूछ लेता है ऑल्सो फाइंड द टर्म। तो यहाँ पे a गिवन है 175
डिफरेंस गिवन है माइनस फोर, आपसे पूछ रहा है कि एन बताओ कौन सी टर्म, और टर्म भी बताओ एन एच टर्म, दोनों चीजें निकालनी है, तो बताओ क्या होगा। जी 45th, तो हमारे पास हो गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज लेस देन जीरो, आपके पास क्या आएगा 175 माइनस फोर एन प्लस फोर लेस देन जीरो, तो ये हो जाएगा 179। फोर एन इधर ले जाओ, फोर से डिवाइड करो तो 179 बाय फोर, तो आपके पास आ जाएगा 4 4 16 19 आएगा, 4 4 16 अगेन, फिर आपके पास आएगा 3 4 7 28 समथिंग, तो n जो है 44.7 से बड़ा होना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा था n पोजीशन होता है, अगर n पोजीशन होता है तो वो कभी भी डेसिमल में नहीं हो सकता, इंटीजर लेना है, तो 44.7 से बड़ा इंटीजर, तो नेक्स्ट 44.7 से नेक्स्ट जो आएगा 45 आएगा, तो n इज इक्वल टू 45। अब सब बच्चे यहाँ एक चीज देख लीजिए, यहाँ सब बच्चों के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं 175 को, तो हम यहाँ लिख रहे हैं 179 माइनस 4n इज लेस देन 0, कभी कभी बच्चे हो सकते हैं कि 179 को इधर ले जाएं, तो 179 जाएगा इधर माइनस में हो जाएगा। अब अगर हमें ये जो इनइक्वालिटी है ये इज इक्वल टू नहीं है कि हम ये सोचें कि ये इज इक्वल टू है, ये है इनइक्वालिटी, तो अगर इस इनइक्वालिटी की बात कर रहे हैं तो बच्चे क्या कर सकते हैं कि इसे माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं, अगर माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे और डिवाइड करेंगे 179 बाय 4, तो हमारा आंसर आएगा कि n इज लेस देन 44.7, यानी कि n जो है 44.7 से छोटा होना चाहिए। तो अब आपको देखना है कि 44.7 से छोटा इंटीजर कौन सा होता है, तो इंटीजर होता है 44, तो n हमारा 44 आ जाएगा, हमारा आंसर है 45, सही भी यही है, लेकिन इस केस में 44 आया, तो ऐसा क्यों हुआ है कि इधर 45 आ रहा है और इधर 44 आ रहा है, कोई बताएगा क्यों हुआ है? एक्चुअली क्या है, मैंने अभी आपसे कहा ये इज इक्वल टू नहीं है, ये इनइक्वालिटी है, तो इनइक्वालिटी में जब भी आप वेरिएबल के साथ माइनस हटाओगे, वेरिएबल के साथ 4n के साथ जो आपने माइनस हटाया है, तो आपको इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना होता है। ये जो आपके पास वेरिएबल के साथ, ये जो वेरिएबल के साथ माइनस आ रहा था, इसको जब भी आप हटाओगे, इस नेगेटिव को जब भी आप राइट हैंड साइड लेके जाओगे, तो आपको ये जो इनइक्वालिटी थी जिसमें हमारे पास था कि भाई 4n इज लेस देन, तो माइनस हटाते ही आपको 4n मोर देन 179 करना था। बस ये चीज ध्यान रखनी सब बच्चों को, समझ लीजिए क्यों, हमें पता है माइनस 3 जो होता है वो छोटा होता है माइनस 2 से, अगर आपने दोनों तरफ का माइनस हटाया और डायरेक्शन चेंज नहीं करा तो आपके पास आ जाएगा 3 इज लेस देन 2, और 3 लेस देन 2 नहीं होता, ये आपने फॉल्स कर दिया। तो जैसे ही आप माइनस हटा रहे हो जी, समझ में आई बात? हेलो, यस सर। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, इस चीज को समझ भी लीजिए, अगर अगर कभी ऐसे है माइनस एन इज मोर देन टू, तो ये माइनस इधर जाएगा तो डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, अगर कभी ऐसे है माइनस एन इज मोर देन माइनस टू, तो माइनस तो दोनों तरफ से कैंसिल होगा लेकिन ये ऐसे हो जाएगा, लेकिन अगर सिर्फ ऐसे है n इज मोर देन माइनस टू, तब हमें कुछ नहीं करना, यही हमारा आंसर है। हमें माइनस अगर वेरिएबल से हटाना है तो डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगा, ध्यान रखना जब भी आपको ऐसा लगे।
तो इसे क्वेश्चन को नोट करना चाहे तो कर लीजिए. फर्स्ट नेगेटिव टर्म, हो गया सर? ये हमारे पास एप्लीकेशंस हैं, कुछ क्वेश्चंस एनसीईआरटी में स्पेशली अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पूछ लेता है इस तरह क्वेश्चंस को, तो सॉल्व करो जरा इसे, आंसर दो जल्दी से.